राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाई सूडो प्रेगनेंसी के ऊपर, कि ये क्यों होती है, क्या कारण है, किसकी गलती है, क्या ऐसी हमारी कमी है जिसके कारण ये होता है। तो सबसे पहले आज जुड़ के रिक्वेस्ट, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो एक लाइक। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्रीडरों के साथ मजाक कह लो या धोखा कह लो या किस्मत ख़राब कह लो, सूडो प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेलों के साथ। लेकिन सबका अपना अपना तजुर्बा है, लेकिन इसके अंदर की हकीकत का किसी को नहीं पता। सब अपना अपना अंदाज़ा बताते हैं, हमें अपना अंदाज़ा ही बताएंगे आपको। लेकिन कई डॉक्टर हैं जहां पर उनको मैं गलत साबित करूंगा। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, उनकी बात सुनी थी मानी हमने, हमारे से पुराने ब्रीडर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जब हमारी फीमेल 20-25 दिन की फीमेल क्रॉस कंसीव हो जाती है, तो उस टाइम में क्या करती है, वो फीमेल खाना कम कर जाती है, जिस खाना नहीं खाएगी तो वो बच्चों को अंदर ही अंदर ऑब्जर्व कर जाती है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, कारण क्योंकि मेरे पास एक फीमेल थी अभी कुछ टाइम पहले, फैल प्रेगनेंसी चली गई उसके अंदर। तो उस फीमेल ने कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन खाना ना खाए हो, बाल्टी भर भर के वो खाना खाती थी, बाल्टी ऊपर दिखाई भी दे रही होगी शायद आपको, हाँ वही है, ठीक है। तो 5 किलो की ये बाल्टी है, दोनों टाइम 5-5 किलो खिलाता हूँ मैं इसको, फिर भी इसने फॉल प्रेगनेंसी मेरे को दिखाई। अब ये किसकी गलती है, क्या कारण है, क्या कमी हमारी होती है जिसके कारण ये सब हमारे साथ हो। कई बारी मेल जो स्ट्रेस में आ जाता है हमारा, कई बारी क्या होता है, मीटिंग से 4-5 दिन अब 1 हफ्ता पहले या तो हमारा मेल बीमार हो जाए या उसको खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। और कई बारी ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि हम मेल की धुनाई कर देते हैं, उसके कारण भी ये सब हो जाता है। मैं अपने ही बता दे रहा हूँ, जो भी फीमेल का जिक्र मैं कर रहा था कि भाई हमारे साथ एक ऐसे ऐसे हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे पास स्टड था जोकर, ठीक है। वैसे अधिक से ज़्यादा मेरा फ्रेंडली है और बहुत प्यारा है, शांत स्वभाव का, कभी उसने कोई तकलीफ़ नहीं करी। लेकिन एक दिन हुआ क्या था, मैं उसको खाना रखा और जहाँ पर वो खाना रख दिया मैंने वहाँ पर गंदगी थी, मैंने देखा और मैं उसको उठाना चाह रहा था, तो उसको लगी थी भूख और उसने मेरे ऊपर कर दिया हमला। मैंने उसको 3-4 चाटे लगा दिए, उसको आ गया स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार उसको लगाए थे भाई। तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने मीटिंग कराई 5-6 दिन के बाद, उस फीमेल ने मेरे को सूडो प्रेगनेंसी दिखाई, मतलब पूरा क्लियर खाली। लेकिन टाइम से 30 दिन के अंदर उसने अपना पेट भी दिखाया, निपल्स भी निकाले और दूध भी उतारा, लेकिन बच्चे नहीं दिए, ठीक है। और एक इसमें फीमेल की तरफ से भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हिट के टाइम पर बीमार हो जाए या 5-7-8-10 दिन पहले भी बीमार हो जाए, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है सूडो प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसमें फीमेल करती क्या है, जब उसकी मेटिंग का प्रॉपर टाइम हो जाता है, आप टाइम से मेट करा लेते हो, उसके बाद फीमेल मीटिंग कराने के बाद अपने दिमाग में ये बैठा लेती है कि हाँ मेरे पेट के अंदर बच्चे हैं, जिसमें फीमेल का सारा स्वभाव सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे शांत स्वभाव से एक साइड में बैठना पसंद करेगी, वो खेलना कूदना मस्ती करना सब बंद कर देगी, खाना भी कम कर देती कई फीमेल ने, और कई फीमेल एग्रेसिव हो जाती हैं। एग्रेसिव नहीं होती हैं, वो गुस्सा करती हैं आपको कि भाई मेरे पेट में बच्चे हैं, मुझे छेड़ना नहीं है आपने, मैं शांति से बैठना चाहती हूँ। लेकिन कई बारी क्या होता है, फीमेल जैसे टाइम होता है 1 महीने का, पूरा पेट दिखाएगी, निप्पल उतारेगी, दूध उतारेगी, बार बार बता रहा हूँ, और जब उसका प्रॉपर टाइम आता है 60-62 दिन का, तो वो पेट कम करती चली जाएगी, पेट कम करती चली जाएगी और बिल्कुल वो बंद हो जाता है। लेकिन कई फीमेल ऐसी भी होती है, जो मेरी आंखों के सामने मैंने अभी जिस फीमेल का स्टार्टिंग से जिक्र कर रहा हूँ मैं, फाल प्रेगनेंसी मेरे वाली फीमेल ने दिखाई दी, उसके बारे में बता रहा हूँ। फीमेल का 62-62 दिन का टाइम हुआ, उसने क्या किया जी, मैं सामने बैठा था उसके, तो लेटी और प्रेशराइज अपने शरीर को वो कर रही है। मेरे शरीर में भी हौसला हो गया कि हाँ यार इसके पेट में तो बच्चे हैं, और ऐसे कैसे मतलब हौसला कर रही है ये, प्रेशराइज प्रेशर कर रही है अपने शरीर को, बच्चे निकालने के लिए तो कर रही है भाई। पूरी रात निकाल दी मैंने, पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर था कुछ नहीं, वो फाल प्रेगनेंसी थी, इसने अपने दिमाग से बच्चे दिए। और 3 दिन के बाद मैंने एक अचंभा और देखा, फीमेल लेटी हुई है, ठीक है, सोई हुई थी वो, नींद में ऐसे उठी, बच्चा ऐसे सपने में, हकीकत में नहीं, नींद में उसने ऐसे बच्चा पकड़ा अपने मुंह से और निपल्स के पास लगाया, है ना। तो ये होती है फाल प्रेगनेंसी, जिसमें फीमेल अपना पूरा संतुष्ट करती है आपको कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चे हैं, सब कुछ दिखाएगी, जो एक कंसीव फीमेल के लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पर गलतियाँ और कमियाँ सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, और एक कमी और हो जाती है इसमें, आपकी नहीं, ये फीमेल की तरफ से होती है, ओवर हीटिंग की वजह से। जैसे कई फीमेल क्या आती है, ओवर हीट हो जाती है और हम मेटिंग करा देते हैं, ठीक है, ओवर हीट फीमेल कभी भी कंसीव नहीं होती है, लेकिन वो अपने दिमाग से पकड़ लेती है वही बार बार कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो उसी तरीके से व्यवहार करेगी जैसे एक कंसीव फीमेल करती है।
ठीक है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत सारे भाइयों तक ये जानकारी आपकी द्वारा पहुँच सके, आप भी किसी की हेल्प कर सको। और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो, पसंद आए तो एक लाइक। और कल का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि भाई सूडो प्रेगनेंसी से कैसे बचना चाहिए। और जो परसों वाली हमारी वीडियो होगी वो होगी जिस टाइम पे आप मीटिंग कराते हो उस टाइम पे ब्रीडर कैसे आपका चूना लगाते हैं। ब्रीडर नहीं कहता मैं उनको, चोर चप्पल चोर दल्ला दलाल कहता हूँ, लेकिन फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।